गाइस, आज के स्टडी में हम क्या बात करेंगे? चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। पर यहाँ पर सबसे पहले हम बात जानेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किस चीज के साथ डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किस चीज के बारे में बात करती है, किस चीज के साथ डील करती है, किस चीज की स्टडी करती है। सो इट्स स्टडी अबाउट हीट एनर्जी। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद that studies that talks about transfer of heat energy, transfer of heat energy between system and surrounding के बीच में heat energy का exchange होना, इस चीज के बारे में बात करती है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ये ब्रांच हीट एनर्जी के सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लेन देन की बात करती है, एक्सचेंज की बात करती है। मतलब हीट एनर्जी के बारे में तो हमने किसी ना किसी पॉइंट पर इस हीट एनर्जी के बारे में बात करनी ही है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब बात आती है सिस्टम और सराउंडिंग क्या, व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज द सराउंडिंग। तो इनकी बात करते हैं, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। सिस्टम क्या है? कोई भी ऐसी चीज यूनिवर्स का कोई भी पार्ट, किसी भी चीज को ले लो, कोई भी पार्टिकल, मैटर का कोई भी पार्टिकल, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर उठा लो, कोई भी चीज ले लो, मतलब कि कुछ भी जो कि यूनिवर्स का पार्ट हो, जो कि वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो, जो कि वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो कि वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो, कोई भी चीज जो कि वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो, जो कि वर्क कर रही हो या फिर कुछ भी वर्क से इसका लेना देना हो, वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो कोई भी चीज, तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज सिस्टम है। अब सिस्टम जो चीज वर्क के ऑब्जर्वेशन के अंदर होगी, विच वुड बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क, उसके अलावा उसके आसपास, उस सिस्टम के आसपास जितनी भी चीजें होंगी, सपोज ये एक सिस्टम है, मैंने बॉक्स बना दिया दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये एक सिस्टम है, ये एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मैंने कैसे यहाँ पे बाहर सराउंडिंग लिखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है सिस्टम के अलावा उसके आसपास जितनी भी चीजें होती है वो सबकी सब सराउंडिंग की तो होती है, तो इसमें समझाने वाली क्या बात। सिस्टम के अलावा जो भी उसके आसपास चीजें हैं जो कि वर्क के ऑब्जर्वेशन में हो या ना हो, मगर सिस्टम तो वर्क के ऑब्जर्वेशन में, जिसकी हम बात करते हैं उसके आसपास जो भी चीजें हैं जो कि उसकी सराउंडिंग में है, वो जो कि उसके आसपास है, उनको हम कहेंगे सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग की वैसे इतनी खास बात नहीं करेंगे, हम सारी बात करेंगे सिस्टम के रिलेटेड, वी विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? जो कि वर्क की ऑब्जर्वेशन में हो, सराउंडिंग सिस्टम के अलावा हर एक चीज उसके आसपास सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहे, डिफ्रेंशिएट करना चाहे सिस्टम और सराउंडिंग को, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर दी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है। इन इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो एक और टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, दैट इज बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? एन इमेजिनरी लाइन। बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करे, डिस्टिंग्विश करे। सो व्हाट इज बाउंड्री? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि क्या मैं सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ, क्या मैं सराउंडिंग को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ, ये बात ध्यान में रखना, क्या मैं सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ, क्या मैं
सराउंडिंग को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ, ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसके लिए मेरे को आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। सराउंडिंग इज अनलिमिटेड इनफाइनाइट। क्या है सराउंडिंग? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट, हमेशा बढ़ती रहती है। सिस्टम एक लिमिट इसकी पता होती है सिस्टम के, हमें सराउंडिंग की नहीं पता होती, सराउंडिंग इज अनलिमिटेड। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ मगर मैं सराउंडिंग को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकती हूँ। इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, सिस्टम की स्टैंडर्ड वैल्यू बता सकती हूँ, सराउंडिंग की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि इट इज अनलिमिटेड। स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं सिस्टम को, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं सिस्टम को, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं सिस्टम को। अब बात आती है जो सिस्टम होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, किसी भी सिस्टम के कितने टाइप्स है, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, वन इज द ओपन सिस्टम, अनदर इज क्लोज्ड सिस्टम, एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ऐसा सिस्टम है, देखो दो फंक्शंस की मैं बात करूंगी, दो चीजों की बात करूंगी, एक हीट एनर्जी और दूसरी मास की, मतलब की मैटर की। हीट एनर्जी और मैटर, इन दोनों चीजों की मैं बात करूंगी, हीट एनर्जी और इन दो चीजों की क्या बात करूंगी। मैं बात कर रही हूँ ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की। पहली बात अगर मैं करूँ ओपन सिस्टम की, तो ये ऐसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम इज सच टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ हीट एनर्जी एंड मास या फिर मैटर विद द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हीट एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, लेन देन कर सकता है हीट एनर्जी का विद सराउंडिंग। हीट एनर्जी को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, हीट एनर्जी को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, रिमेंबर, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं। मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल क्यू लिखा है आपको दिखाने के लिए कि ओपन सिस्टम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है और मास का भी एक्सचेंज होता है, मतलब कि मैटर या फिर मास का भी एक्सचेंज होता है, मास को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सो ओपन सिस्टम में दोनों चीजों का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है, मतलब कि सराउंडिंग से सिस्टम दोनों चीजें ले भी सकता है या फिर सिस्टम सराउंडिंग को दोनों चीजें दे भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला एक्सचेंज, लेन देन हो सकता है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ दे सकते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम एक ले सकता है एक दे सकता है, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, जिसमें दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, मास एक्सचेंज नहीं होता, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, मतलब कि एक चीज ने सराउंडिंग को हीट एनर्जी तो दे दी मगर उसके खुद के मास में फर्क नहीं आएगा क्योंकि उसने मास एक्सचेंज नहीं की। तो वो वैसा वाला सिस्टम जो कि मास एक्सचेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के साथ वो क्लोज आ जाएगा, या तो सराउंडिंग मास नहीं एक्सचेंज कर रही तो वो भी क्लोज सिस्टम, हम सिस्टम की बात कर रही है, ठीक है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि मास को एक्सचेंज नहीं करेगा, हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर लेगा, मास को एक्सचेंज नहीं करेगा, मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। और आइसोलेटेड सिस्टम की तो बात छोड़ ही दो, क्यों? क्योंकि वो ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करने देता है, ना ही मास एक्सचेंज करने देता है, मैटर एक्सचेंज करने देता है, कुछ भी नहीं एक्सचेंज करने देता। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग के साथ किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं करने देगा, ना ही हीट एनर्जी ना ही मैटर। अब इन सब चीजों को ना अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि मेरे को पता है अभी तक आपको इतने अच्छे से बात समझ नहीं आई होगी, एग्जांपल्स के बाद आपको बात अच्छे से समझ आएगी। वेट अ सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट ओपन सिस्टम जहां पर दोनों चीजें हीट एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो सकता है। एग्जांपल चाय, आपने एक चाय का कप लिया,
आपको इतना तो पहले से पता ही है, अगर वो गर्म है तो अपनी हीट एनर्जी को तो एक्सचेंज करेगी सराउंडिंग के साथ। मैंने चाय रखी, एक घंटे के बाद देखा गरम गरम चाय टेबल के ऊपर रखी, एक घंटे के बाद देखा कि वो ठंडी होगी। कैसे, क्यों? क्योंकि चाय एक ओपन सिस्टम थी, ये चाय का कप एक ओपन सिस्टम था, ये हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा था सराउंडिंग के साथ। और हीट एनर्जी तो एक्सचेंज करता ही है, करता है। वैसे तो चाय का कप हीट एनर्जी एक्सचेंज करता ही है, ये तो हम सबको पता है, मगर ये कुछ हद तक मास भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है चाय का कप। इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये हीट एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है और कुछ हद तक ये अपना मास भी, मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ ओपन सिस्टम। ओके, देन कम्स अ, वैसे और एग्जांपल्स ले लो, हम सराउंडिंग को O2 देते हैं, ह्यूमंस की एग्जांपल ले लो, सराउंडिंग हमें CO2 देता है वापस, ठीक है। और बोलो, और लकड़ी बहुत अच्छी एग्जांपल, एक और आगे दिमाग में तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक और एग्जांपल बहुत अच्छी दिमाग में आगे, लकड़ी को जब हम जलाते हैं, व्हेन वी बर्न लकड़ी, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तब क्या होता है? ऑब्वियसली हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होती है और साथ ही साथ वो लकड़ी ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका मास भी कम होता है, मतलब कि वो हीट एनर्जी भी सराउंडिंग को दे देती है और अपना मास भी सराउंडिंग को दे देती है, जो कि हमें दिखता नहीं है मगर पता तो चलता है कि मास उसका कम हुआ है ना। सराउंडिंग में आपको पता चलेगा कि गर्म होगी सराउंडिंग, कैसे? क्योंकि उसने हीट एनर्जी एक्सचेंज कर ली सराउंडिंग के साथ। और मास एक्सचेंज किए, ये कैसे पता चलेगा? वो लकड़ी का टुकड़ा देखेगी, वो अब टुकड़ा नहीं रहेगा, एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका मास कम हो जाता है और साथ ही साथ वो हीट एनर्जी भी एक्सचेंज कर देती है लकड़ी। तो दोनों चीजें एक्सचेंज की उसने सराउंडिंग के साथ, इसलिए उस लकड़ी को भी हम बोलेंगे कि ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप जलाओगे तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, किसी भी चीज, वुड जैसी चीज को। देन कम्स द क्लोज सिस्टम, इसमें सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता। इसी चाय के कप को आप इस जगह पर भी देख सकते हो, जी हाँ, आपको पता ही है हम चाय के ऊपर कुछ रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं उसको बस कवर करने के लिए, ठीक है। जब हम चाय को उसके ऊपर कुछ रख देते हैं कवर करने के लिए, तब क्या होता है, उसकी हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होना बंद हो जाती है। हम क्यों रखते हैं कुछ, कवर क्यों करते हैं चाय के कप को? क्योंकि हमें पता है अगर हम कवर कर देंगे तो ये हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करने देगी, ये सरफेस इसको हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करने देगी चाय के कप को, मतलब कि चाय ठंडी नहीं होगी, क्योंकि वेपर्स उड़ेंगे वापस नीचे ही आएंगे, ठंडी नहीं होगी, बाहर नहीं जाएंगे वेपर्स, तो हीट एनर्जी तो एक्सचेंज नहीं होगी, मगर फिर भी जो मास है, हीट एनर्जी फिर भी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होता है, क्योंकि पूरा सील तो हमने कर नहीं दिया होता उस वक्त, कोई प्रॉपर सील वगैरह नहीं कर दिया होता, बस एक चीज रख दी ऊपर, कुछ भी रख दी, तो वो कवर किया है, उस वजह से ये नहीं, जरूरी नहीं कि हीट एनर्जी एक्सचेंज ना हो, क्योंकि वेपर छोड़ेंगे वापस नीचे आएंगे, तो इस प्रोसेस में भी ठंडी हो ही जाएगी चाय, और हीट एनर्जी एक्सचेंज कर लेती है फिर भी चाय का कप, वो हीट एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है, थोड़ी सी ही सही मगर फिर भी हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है उस केस में भी। तो वही चाय का कप जब इसे कवर कर दिया, वही चाय का कप क्लोज सिस्टम बन गया, मगर मास इस केस में नहीं एक्सचेंज होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले जब चाय का कप खुला था, जब कोई कवर नहीं रखा था इसके ऊपर, तब ऑलरेडी इसका मास बहुत कम हद तक एक्सचेंज हो रहा था, मगर फिर भी बहुत कम हद तक, तब इसके ऊपर कवर रख दिया तो कितना ही एक्सचेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं, पहले इतना कम हो रहा था, कवर भी रख दिया तो नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तब वो क्लोज सिस्टम के अंदर वो चाय का कप आ जाएगा। ओके, इससे भी अच्छी एग्जाम्पल है, इससे भी अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास बल्ब की। बल्ब जब आप टच करते हो उसे, तो हमें पता चलता है कि वो गर्म हो जाता है, बाहर उसके आसपास देखोगे तो वो गर्म हो जाती है, उसके सराउंडिंग हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है बल्ब के केस में, मगर मास उसका कम होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, बल्ब इज अ क्लोज्ड सिस्टम। सेम केस प्रेशर कुकर की एग्जाम्पल देख लो आप, प्रेशर कुकर के अंदर वो भी एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि वो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने देता,
सॉरी हीट एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो जाती है प्रेशर कुकर में, मगर मास तो बिल्कुल भी नहीं एक्सचेंज होने देता क्योंकि कवर कर दिया हुआ ना ऊपर से, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। जैसे वो भी करते हैं ना सीटी जब बजती तब काफी हद तक बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, मगर उस केस में मास थोड़ी कम हो गया क्योंकि फिर भी वो क्लोज है, क्योंकि ऑलरेडी जब खुला होगा तब भी मास कम ही एक्सचेंज हो रहा होगा, अब बंद करके कितना ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। सो प्रेशर कुकर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हो, थर्मस ले लो, एक थर्मस की एग्जाम्पल देख लो। थर्मस हम क्यों यूज करते हैं, चाय डालते हैं थर्मस के अंदर या फिर ठंडी चीज रखनी है ठंडी चीज डाल लेते हैं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि थर्मस ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज होने देता है ना ही चाय को ठंडा होने देता है, और क्योंकि वो क्लोज्ड होता है एकदम बंद होता है पैक्ड होता है तो हीट एनर्जी तो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होने देता। इस तरह से उसका फंक्शन रहता है कि वो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने देता, साथ ही साथ मास मिनिमल भी नहीं होता, क्योंकि पता है मास तो ऑलरेडी बहुत कम हद तक जब कोई चीज ओपन होती है तो बहुत कम हद तक एक्सचेंज कर हो पाता है हमारा मास, जब क्लोज हो जाते हैं तब बिल्कुल ही नहीं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में भी थर्मोस की एग्जांपल देख लो, क्लोज ही है तो हीट एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं, मास वो तो छोड़ ही दो नहीं होगा एक्सचेंज थर्मोस के केस में, चाय का ना मास कम होगा ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। मगर वही थर्मोस आपने एक दिन तक चलाया, अगले दिन वही थर्मोस अगर आप यूज नहीं करो, गरम गरम चाय डाली अगले दिन तीसरे दिन, कभी ना कभी तो वो ठंडा पड़ जाएगा, चाय ठंडी हो ही जाएगी थर्मस के अंदर में, तो कहते हो एक दिन में ही खत्म हो जाती है, एक दिन में ही ठंडी हो जाती है चाय, है ना। तो ये तभी मैं कहना चाहती हूँ कि थर्मस टेम्पररी आइसोलेटेड सिस्टम है, परमानेंट नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम, फिर भी है कुछ देर के लिए ही तो सही था, तो था आइसोलेटेड सिस्टम कुछ देर के लिए ही सही, मगर आइसोलेटेड सिस्टम तो था कम से कम कुछ देर के लिए ही सही, टेम्पररी था। थर्मोस ही नहीं एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है आपका, रेफ्रिजरेटर इसमें भी क्या ही समझाना, ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है रेफ्रिजरेटर, ना ही मास एक्सचेंज करता है किसी भी टाइप की एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देता रेफ्रिजरेटर, मगर ये भी टेम्पररी है, दरवाजा खोल के रखो सारी हवा बाहर, सारी जो हमेशा के लिए तो उसकी गर्म नहीं रहेगा ना, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है हमेशा के लिए क्या खाना खाने लायक होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना, क्या हमेशा के लिए जो एक दिन हमने ताजा खाना बनाया उसमें से कुछ खाना बच गया, कुछ हिस्सा बच गया, अब हमने उसे फ्रिज में रख दिया कि भाई सेफ है, फ्रिज के अंदर रख के बाद में भी खा सकते हैं, मगर वो एक दिन तक चलेगा, उससे ज्यादा क्या देर तक हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के उस खाने को, वो खाना खाने लायक होगा नहीं, तो इसलिए ये भी टेम्पररी है। तो ओवरऑल फिर परमानेंट क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि परमानेंट है, बच्चा क्या बचा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो कि परमानेंट हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल यूनिवर्स है। यूनिवर्स ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है ना ही मास एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग तो है, यूनिवर्स परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट करता है। यूनिवर्स परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अभी तक जो आपकी बात चल रही थी ना यार, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन हिस्सा, ये था आपका इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे ना तो भी आपको बेसिक पॉइंट्स ही क्लियर किए जाएंगे स्टार्टिंग में, कि ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे जाके यूज होने वाली है। वैसे अभी तक जो बिल्कुल बेसिक हिस्सा था वो ये सब था, अब इसके आगे हम बात करते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब अगर आपने जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो पढ़ लिया होगा तो ये वाली लाइन आपको याद आ गई होगी, कौन सी लाइन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लाइन किसको नहीं पता ये बता दो मेरे को, अगर नहीं पता तो सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई और लॉ नहीं है, ये हमारा अपना लॉ है जो कि हमें हमेशा से आता है, दैट इज लॉ ऑफ, जिसकी स्टेटमेंट हमें हमेशा से पता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
क्या स्टेटमेंट है इसकी कि भाई एनर्जी इट स्टेट्स दैट एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। वी कैन ओनली चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स अगर आप सोचो ना फर्स्ट लॉ है, अच्छा कोई लॉ है तो स्टेटमेंट होगी, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ डेरिवेशन होगी और बात खत्म हो जाएगी। मगर ऐसी बात नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ना बहुत लंबा है, मतलब कि आधा चैप्टर मैं बोलती हूँ यही चैप्टर, आधा चैप्टर तो फर्स्ट लॉ ही है। बहुत लंबा मतलब चलता रहेगा ये फर्स्ट लॉ। जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि इसके साथ आपका फर्स्ट लॉ खत्म हुआ और सेकंड लॉ से शुरू कर दूंगी। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा लॉ है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात हम देख लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, देयर आर मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मो डायनेमिक, डरने वाली कोई बात नहीं इसमें, प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके बारे में हम समझने वाले हैं वो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। अब इससे ये नहीं समझना, कुछ और नहीं समझना, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती, जो इसका असली मतलब है मैं वही समझाना चाहती हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस का असली मतलब ये, आइसो का मतलब आप सबको पता है सेम, आइसो मतलब एक ही, सेम जैसा, सेम है ना, आइसो मतलब सेम कॉन्स्टेंट है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको दिख जाए भाई टेम्परेचर जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रही, तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, मतलब अगर मैंने बोल दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें अगर 27 डिग्री सेल्सियस ही है, था और रहेगा, कॉन्स्टेंट है, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब कि चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में, चेंज नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा टेम्परेचर में, चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने डेल्टा चेंज को जीरो, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टी टू माइनस टी वन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा का मतलब होता है चेंज किसी भी चीज के साथ, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर के साथ लग गया, तो डेल्टा टेम्परेचर मतलब कि डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन, या फिर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर मैं बोलूँ डेल्टा एच तो उसका मतलब होगा एच टू माइनस एच वन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और यहाँ पर इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, एंड दैट इज जीरो इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज होता ही नहीं ना, तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो ग्राफ होता है ना वो होता है हमारा आइसोथर्म, नाम से जाना जाता है ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म। ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म। सीधी बात बताऊं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, असली बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होता है ना वो और साथ ही साथ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ होता है वो आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। आइसोथर्म इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऐसे भी हो सकता है पीवी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर इज एट वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम इज एट एक्स एक्सिस। इस केस में मैं आपको कैसे बना के बताऊंगी ग्राफ, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। आपने बॉयलर्स लॉस देखा होगा, क्या होता है हमारा वॉल्यूम प्रेशर
प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या करूं? देखो किसी चीज के, हाँ कैसे समझोगे, ये कोई कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने पिस्टन रखा, पिस्टन से, पिस्टन को कैसे समझ लें, जैसे हैंड पंप होता है, वो जो पंप होता है साइकिल्स में हवा भरने के लिए, जो हम पंप यूज करते हैं, ऐसे पंप यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे समझना, ठीक है। प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डाला, प्रेशर अप्लाई किया, पहले इतनी वॉल्यूम थी, ठीक है, जब मैंने प्रेशर कम रखा तब वॉल्यूम ज्यादा, V1। अब प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर जब इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इतनी होगी, कितनी होगी, V2। मतलब प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम थी, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इसलिए इनका ग्राफ ऐसा बना, ऐसा ग्राफ होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो भी चीजें होंगी वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे इस बात को समझोगे? देखो अगर मैंने बोला प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो अगर सबसे ज्यादा प्रेशर लगाया और वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा प्रेशर पे सबसे कम वॉल्यूम, तो यहाँ पर अगर आप देखो हाईएस्ट जो प्रेशर का पॉइंट है ये है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर पर कितनी ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी ज्यादा है सबसे ज्यादा प्रेशर पर, इतनी, वॉल्यूम सबसे कम, प्रेशर सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे कम, प्रेशर सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे कम। जब प्रेशर सबसे कम होगा, प्रेशर सबसे कम होगा तो वॉल्यूम तब उस केस में सबसे ज्यादा। तो ये ग्राफ इसलिए ऐसा बना, ठीक है। एक और ग्राफ देख लेते हैं इसके अंदर ही, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इसको कैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, पीवी, मतलब कि पीवी में से कुछ भी चेंज करो, प्रेशर चेंज कर लो, पीवी का मल्टीपल जो होगा ना हर बार कांस्टेंट रहेगा, पीवी का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मगर प्रेशर को आप बढ़ाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ या कम करो, जो भी करना है, पीवी का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा, ये भी इसके अंदर से मतलब निकल आता है, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब जिस पॉइंट पे पहले था उस पॉइंट पे हमेशा रहेगा, सीधा ग्राफ बनेगा, चाहे आप वॉल्यूम को चेंज करो, चाहे वॉल्यूम में चेंज लाओ। कैसे पता चल रहा है मेरे को ये ग्राफ देख के कि प्रेशर में चेंज आ रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे ये प्रेशर प्रेशर बढ़ रहा है, मगर वॉल्यूम उतना ही उससे आगे नहीं जा रहा। वैसे ही वॉल्यूम की बात करूं, हर पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मगर हर पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही है ना। तो ये तीन टाइप के ग्राफ बन सकते हैं आइसोथर्म के अंदर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बन सकते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्म। अब सेकंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। पहले बता देती हूँ कैसे क्या है इस प्रोसेस के अंदर, क्या कांस्टेंट है, कुछ तो कांस्टेंट है, मगर क्या कांस्टेंट है ये बताने से पहले, इस चीज को बताने के बाद मैं बताऊंगी कि इस चीज को याद कैसे रखना है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच कांस्टेंट क्या है, इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर यही चीज आप अप्लाई करना चाहते हो अपने लर्निंग प्रोसेस में तो आप गलत हो। याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, आपको रेटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो कैसे याद रखना है, बार जो होता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है। इसे आपको अगर नहीं पता हो पहले से तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, ये पता होना चाहिए इसे आपको। तो मैं आप बता देती हूँ आपको कि प्रेशर का यूनिट एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होता है, एटीएम भी होता है, बार भी होता है। तो बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो मतलब कॉन्स्टेंट, तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। हाँ ओके,
process is such a thermodynamical process in which pressure remains constant. प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट मतलब कि कोई चेंज नहीं आ रही, कॉन्स्टेंट है प्रेशर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही, मतलब कि चेंज जो होगी वो होगी ही नहीं, तो वो जीरो के इक्वल हुई ना, होगी ही नहीं मतलब जीरो है. सो चेंज इन प्रेशर इज जीरो. क्यों? क्योंकि प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, चेंज इन प्रेशर इज जीरो. अब इसके अंदर का ग्राफ देख लेते हैं. आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, ऐसा ग्राफ देख लेते हैं दो चीजों के बीच में, ऐसा ग्राफ देख लेते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है. तो ऐसा ग्राफ कौन सा ग्राफ है, किस नाम से जानते हैं ऐसे ग्राफ को? आइसोबार. आइसोबार इज सच अ ग्राफ, इज अ ग्राफ. आइसोबार इज अ थर्मोडायनामिक ग्राफ, इट इज अ ग्राफ. एक ग्राफ है, आइसोबार इज अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होता है उसे हम आइसोबार कहते हैं. मगर यहाँ पर आधी बात मैंने आपको समझा दी कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होता है वो आइसोबार कहलाता है, मगर पूरी बात तो मैंने बताई नहीं. वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ मगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, ऐसा ग्राफ आइसोबार होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर. अब क्योंकि चार्लीज लॉ से मेरे को पता है, एक चार्लीज लॉ होता है वो कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. चार्लीज लॉ होता है वो कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब सीधी समझा दूं आपको भाई, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम घटा टेम्परेचर भी घटा. सीधे बता दूं? नहीं, एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी ना. देखो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, अगर आप किसी कमरे में एसी लगा हुआ है, आप कोशिश करोगे वॉल्यूम को कम ही रखो. देखो जिस कमरे में जितनी वॉल्यूम कम होगी उस कमरे में आप एसी लगाओगे, तो उस कमरे की वॉल्यूम कम होगी उस कमरे में एसी लगाओगे तो उस कमरे का टेम्परेचर भी बहुत कम होगा. मतलब उतनी ही अच्छी बात, टेम्परेचर का एसी का यही तो काम होता है, एयर कंडीशनर का यही तो काम होता है टेम्परेचर बहुत कम करना, है ना. तो जितना वॉल्यूम कम रखोगे उतना कम टेम्परेचर. उसी कमरे का अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, दरवाजा खोल लोगे सपोज करो, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे ना आप एक तरह की, तो उस कमरे की वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करोगे दरवाजा खोलकर. उस वजह से क्या होगा, आपको डांट पिटेगी भाई दरवाजा मत खोल, वॉल्यूम मत बढ़ा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एसी का क्या फायदा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा मत खोल दरवाजा. ये तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी, वैसे इसमें एक्सेप्शंस भी आ सकती है, इतना लॉजिकल एग्जाम्पल नहीं लगा मेरे को. और एग्जाम्पल समझाना चाहती हूँ आपको, और एग्जाम्पल्स जैसे कि फ्रिज की वॉल्यूम हम कम रखने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर भी कम रहेगा, दरवाजा खोलो वॉल्यूम, वही एग्जाम्पल आ गई. चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा, वैसे ही एग्जाम्पल है, दरवाजा खोलो वॉल्यूम बढ़ी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. इतनी खास एग्जाम्पल नहीं थी मगर समझ लो, वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर भी बढ़ा, आई होप आपको समझ आ रहा हो. वॉल्यूम घटा टेम्परेचर भी घटा, मतलब चार्लीज लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एसी का जो कंप्रेशर लगा होता है, एसी के अंदर कंप्रेशर लगा होता है, उसका मतलब कंप्रेशर का फंक्शन होता है कि प्रेशर को कम करे. कम प्रेशर का काम होता है प्रेशर को कम करना. प्रेशर को फिक्स रखना, प्रेशर फिक्स रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. प्लीज इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सीधे मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहती हूँ समझाने के लिए, जो कि सीधी बात है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ग्राफ के बारे में बताना चाहती हूँ आपको. यार ग्राफ कैसे बनेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ का एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कैसे ग्राफ बनेगा, इस बार कैसे बनेगा, गलत आ गया, वेट अ सेकंड, कैसे समझाऊं. वॉल्यूम बढ़ाया इतने पॉइंट पे, टेम्परेचर भी बढ़ाया इतने पॉइंट पे, वॉल्यूम और बढ़ाया टेम्परेचर भी और बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, वॉल्यूम और बढ़ाया टेम्परेचर भी और बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली. वॉल्यूम को हाईएस्ट पॉइंट पे लेगी, टेम्परेचर भी और हाईएस्ट पॉइंट पे ऑटोमेटिकली चले जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने समझा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वैसे अगर वॉल्यूम को मैं नीचे लाऊंगी कम करूंगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम को और कम और कम, टेम्परेचर को सबसे कम, वॉल्यूम को सबसे कम रख दूंगी, बहुत कम रखूंगी वॉल्यूम तो टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा. तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ
ऐसा ग्राफ कब हम बनाते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे ओरिजिन से जो शुरू होती है ये शो करती है स्ट्रेट लाइन की, ये जो एक्स और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे दूसरे के, ये ग्राफ तो यही शो करता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाना होता है तो ऐसे करती, ऐसा ग्राफ बनाती, मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ बनाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलो जी, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर कुल मिला के हमारे पास फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, देर आर फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, दो तो हमने पढ़ लिए, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक, एंड थर्ड प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ये ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, जिसमें क्या क्या बचा, अभी प्रेशर कांस्टेंट रख लिया हमने पिछली आइसोबैरिक प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट था, उससे पिछले प्रोसेस में हमारा कौन सा फंक्शन कांस्टेंट था भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट था, जी हाँ बिल्कुल, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, अब क्या बचेगा, वॉल्यूम को थोड़ी दिखा था, नो, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, पहला ये देखा था, फिर दूसरे में आइसोबैरिक देखा था, पहला आइसोथर्मल देखा था, दूसरा आइसोबैरिक देखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, अब बचा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे इस प्रोसेस में, मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना वॉल्यूम जो होती है, जो स्पेस होती है वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब कि इस केस में मैं वैसे नहीं समझाऊंगी वॉल्यूम को बढ़ाया वॉल्यूम को कम किया, क्यों, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इसका ग्राफ जो है, इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोकोर एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें इट इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोकोर इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज आइसोकोर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला ग्राफ और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच वाला ग्राफ इज आइसोकोर। अब बताओ प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इनका भी वही रिलेशन है कि प्रेशर बढ़ाऊंगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आपको मैं आपके ऊपर पढ़ाई करने का प्रेशर बढ़ाऊंगी, आपके ऊपर पढ़ाई करने का टेम्परेचर डालूंगी, है क्या बोलूं, आपके ऊपर पढ़ाई करने का प्रेशर डालूंगी जब मैं, कि पढ़ो प्रेशर डालूंगी तो आपके दिमाग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या, ये थोड़ा फनी था मगर एग्जाम्पल देने के लिए कुछ भी चलता है यार, तो मतलब कि प्रेशर आपके ऊपर दिया, ज्यादा दिया तो टेम्परेचर भी आपका ज्यादा ही बढ़ा दिमाग का, ठीक है, सो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आपको जब मैं बोलूंगी नहीं पढ़ोगी मत प्रेशर नहीं डालूंगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर आपके दिमाग का उतना ही कम रहेगा, कूल रहोगे, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो उनका ग्राफ सीधा बनता है, क्यों, प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाया टेम्परेचर भी घटेगा, समझ आ गई बात, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर प्लीज एक चीज का खास ध्यान रखना, क्या है वो चीज, टेम्परेचर ना हमेशा केल्विन में ही कैलकुलेट होता है, टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही कैलकुलेट होता है, केल्विन में ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि केल्विन टेम्परेचर की स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर एट केल्विन इज 0°C, -273°C, इससे नीचे जाओगे तो इससे नीचे है ही,
केल्विन में टेम्परेचर से नीचे है ही नहीं, क्योंकि वो -274 के इक्वल हो जाएगा और उससे नीचे है भी नहीं, हाई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केल्विन टेम्परेचर एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ये कैसे टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है इस टेम्परेचर को, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस रिमेन्स जीरो. इसके ऊपर जाना नहीं चाहती, क्या पता मैंने गलत भी बोल दिया हो, क्योंकि कंफ्यूज होगी. मैं आपको सीधे बताना चाहती हूँ कि टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना होता है. प्लीज ध्यान रखना, टेम्परेचर को हम केल्विन में ही रखते हैं. और केल्विन का ग्राफ मैंने आपको ऐसे बताया, टेम्परेचर जब केल्विन में होगा तब ऐसा ग्राफ बनेगा. रिमेम्बर, टेम्परेचर जब केल्विन में होगा तब ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन. और सेल्सियस में तो फिर अलग ही बात हो जाएगी ना. नाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. फोर्थ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज समथिंग हटके, इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. फोर्थ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस ये ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें ये कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं. क्या कॉन्स्टेंट रहते हैं, क्या बचा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देख लिया. अब क्या बच गया? प्रेशर भी देख लिया, वॉल्यूम भी देख लिया, टेम्परेचर भी देख लिया, अब क्या बचा? अरे भाई, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये किससे डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग. तो हीट एनर्जी जिस केस में एक्सचेंज ही ना हो, मतलब जो चैप्टर कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि हीट एनर्जी तो एक्सचेंज की तो बात कर ली, मगर जिस केस में एक्सचेंज ना हो, जिस प्रोसेस में, जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट एनर्जी एक्सचेंज ना हो, उस प्रोसेस का क्या? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी. जहां पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, वेयर हीट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्यू, कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखो, बात एक ही है. हीट एनर्जी के लिए एक ही बात है, दोनों हीट एनर्जी को ही डिनोट करते हैं. देखो, हीट एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से ही टेम्परेचर जनरेट होता है, हीट एनर्जी की वजह से ही टेम्परेचर जनरेट होता है, हीट एनर्जी की वजह से ही टेम्परेचर जनरेट होता है, ये बात भी याद रखना. देखो कैसे समझना है याद रखना अलग बात है, मगर समझ के याद रखना वो अलग बात है, और कूल बात भी है. पेट्रोलियम एग्जाम्पल देखो, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? ये हीट एनर्जी है. हमने बोला हीट एनर्जी से ही टेम्परेचर जनरेट होता है. पेट्रोलियम के ऊपर आग लगा दो, थोड़ी सी आग लगा लो, टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो हीट एनर्जी है पेट्रोलियम, हीट एनर्जी से टेम्परेचर जनरेट हुआ जब मैंने उसके ऊपर आग लगाई, तो हीट एनर्जी से टेम्परेचर जनरेट होता है. हमारी बॉडी के अंदर भी तो हीट ही है, उसी की वजह से तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है. तो हीट ही एनर्जी की वजह से ही टेम्परेचर जनरेट होता है. सो ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर, सॉरी, इन विच हीट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि हीट एनर्जी का लेना देना नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सच प्रोसेस थस थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. मतलब कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेना देना ही नहीं है, मतलब कि क्यू जीरो है, हीट नहीं है. और क्योंकि क्यू जो हीट एनर्जी है वो ऑलरेडी चेंज हुई है, हीट एनर्जी ऑलरेडी चेंज होती है, एक्सचेंज ही होता है ना हीट एनर्जी का. हीट एनर्जी हमेशा लेन देन के फॉर्म में ही रहती है, तो हीट एनर्जी जब एक्सचेंज ही नहीं हुई, जीरो है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ऑलरेडी चेंज ही होती है, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको क्यू जीरो लिखा, क्योंकि डेल्टा एच जो है वो क्यू होता है. डेल्टा एच चेंज इन हीट एनर्जी, वो तो ऑलरेडी चेंज है, इसलिए हीट एनर्जी या आती है या तो जाती है. हीट एनर्जी जो होती है या तो वो आती है या तो वो जाती है.
याद रखना डेल्टा क्यू मत लिखना, ये लिखने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत। प्लीज डेल्टा क्यू केमिस्ट्री में तो मत लिखना, क्योंकि क्यू हील एनर्जी ऑलरेडी जब चेंज हुई है तो आप इनके ऊपर ये नकली डेल्टा क्यू लगा रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं कि चेंज इन हीट एनर्जी है, ऑलरेडी चेंज हुई होती है, हीट एनर्जी ऑलरेडी चेंज होती है, इट इज डेल्टा एच, हीट एनर्जी इज डेल्टा एच, ये ऑलरेडी हीट एनर्जी जो होती है ऑलरेडी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी या तो आती है या तो जाती है, इसका एक्सचेंज ही होता है। डेल्टा क्यों कभी भी नहीं लिखना गलती से, बनी तभी आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई मैंने डेल्टा क्यों नहीं लिखा। डेल्टा क्यों कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि हीट एनर्जी ना हमेशा आती है या तो जाती है, ऑलरेडी चेंज होती है। अब याद रखना आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एनर्जी को ना बाहर जाने देगा ना ही अंदर आने देगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पर क्योंकि समझ आ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हीट एनर्जी को ना बाहर जाने देगा ना ही अंदर आने देगा, एक्सचेंज नहीं होने देगा हीट एनर्जी का। तो इसी के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस भी तो परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ना ही आने देगा हीट एनर्जी को ना ही जाने देगा, ऐसा प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड दिस एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस एडियाबैटिक प्रोसेस इज परफॉर्म अंडर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज सच सिस्टम इन विच हीट एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज। तो हीट एनर्जी किस प्रोसेस में एक्सचेंज नहीं होती, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज परफॉर्म अंडर आइसोलेटेड सिस्टम, किस सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसमें हीट एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि इस प्रोसेस में भी हीट एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज परफॉर्म अंडर आइसोलेटेड सिस्टम। इसी के साथ हमारा डायनामिक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस खत्म हुए, मगर बस इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला। तो गला थक गया मेरा, बिल्कुल थक गया मेरा गला, गला मेरा थक गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमने आज की वीडियो में बात की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के जितने भी थे और इंट्रोडक्शन पार्ट की, और ये सब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंडर ही पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट कई सारे वीडियोस में भी थर्मोडायनामिक्स का यही लॉ कंटिन्यू करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।